तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये अपना भाई गरीब बच्चा रज्जू। आज हम लोग जाने वाले हैं झारालावा और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:51 और आज हम लोग चढ़ना है 3 पहाड़। तो हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं, वहाँ का लोकेशन आपको दिखाएंगे, अभी बता देंगे तो सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। क्यों रज्जू? और ये अपन आए अभी नाश्ता करने, डोसा खाएंगे। ये अपना भाई तुषार हाय बोलो गाइस को। तो चलिए अपन नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर सीधा आपको वहीं मिलते हैं झारालावा में। तो फाइनली हम लोग झारालावा पहाड़ के पास पहुंच गए। यही पहाड़ है जिसको अपन को चढ़ना है। कैसे साहिद भाई? अपन इसके ऊपर अभी चढ़ेंगे और ये झारालावा काफी लोग जानते हैं और काफी लोग नहीं जानते। तो आज हम लोग इसको अपना भाई आयुष द ब्लॉग स्टोरी के चैनल पर आज अपन इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जरूर देखिए, लाइक और शेयर करिए, सपोर्ट करो भाई को, महाकाल की कृपा से ठोको। तो यही पहाड़ अपने को चढ़ना है। इसके बाद दो पहाड़ और है ना, इसके बाद दो पहाड़ और है, अपन उसको चढ़ के उतरेंगे, उसके के बाद जन्नत है यहाँ। भैया मैं भी हूँ भैया, दोनों बांटो ना, आप दोनों बांट लेना, ठीक है? ले ठीक है। गाड़ी देखो ना, गाड़ी देखना, ठीक है? गाड़ी चार गाड़ी है ना, सबको बांटो। मेरे को दे ही रहा भाई, उसमें 80 रुपया है ना, बांटो ना सब लोग। दो तीन करोड़ गाड़ी में देखो ना, गाड़ी में, ठीक है? गाड़ी में देखो, आके और देंगे, ठीक है? तो ये फाइनली अब हम लोग पहाड़ चढ़ने वाले हैं। गाड़ी अपना खड़ा कर लिए। ये मोहन भाई पूरा सामान पकड़े हैं क्योंकि वहाँ जाके हम लोग कुछ बनाएंगे। तो साहिद भाई पहाड़ चढ़ना है, तो आप लोग तो चढ़ चुके, ये मेरा पहला बार है, तो आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ आके? अपन को एक नंबर लग रहा है सबसे पहले तो। हाँ, और अपन आज एक्सप्लोर करने वाले हैं भाई के चैनल में आज ये व्लॉग और झारालावा को। तो कृपया करके इसको सब लोग तो देखें और सपोर्ट करो भाई को सबसे पहले तो। और आज सब लोग बहुत स्ट्रगल करके आए। ये मेरा भाई, ये लोग का डेली का सुबह उठने का टाइम है 11 बजे। ये तुषार जिम नहीं जाता है नींद के कारण। आज इन लोग सारे लोग 6 बजे उठ के अपन रेडी किए, सब जाके अपन यहाँ आज 9 बता देना आज तब जाके अपन 9 बजे यहाँ पहुँच रहे हैं। और वो तो ब्रश भी नहीं किया आज, ऐसा ही आया ये आदमी। ये देखो ब्रश व्रश कुछ नहीं किया। देखिए भाइयों, अब चलते हैं। नहीं जी, अब सीधा चलो गाइस पहाड़ चढ़ते हैं, वहाँ आपको मिलते हैं हम। तो साहिद भाई अपन अभी 10:04 को पहाड़ चढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, अब देखते हैं कितना टाइम पहुंचते हैं। हम लोग को 12:30 तो लग ही जाएगा पहाड़ पार करने में, अपन को झरना के पास 12:30 ना, क्योंकि हम लोग आराम से चलने वाले हैं। हाँ, और काफ़ी मतलब ऊंचाइयों पर है ये, तो ब्लॉग को देखते रहिए और इन्जॉय करिए। चलिए हम पहुँचते हैं तो आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा। पहला चढ़ाई चढ़ चुके हैं भाई, असली जन्नत है ना भाई, एकदम तगड़ा। यही है भाई, यही है। पानी इतना ठंडा, मतलब एसी फेल यार, गर्मी में एसी फेल यार भाई, इतना सुकून महसूस है, मैं बयान नहीं कर पा रहा यार, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा भाई।
कई मजा आया। ये हम लोग सेकंड पहाड़ चढ़ चुके हैं, तीसरा पहाड़ यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर का और रास्ता है, उसके बाद अपन अपनी मंजिल के पास पहुँच जाएंगे। तो पीछे नीचे निक्कू भैया और रजत हैं, बहुत नीचे हम लोग, बिट्टू भैया भी हैं और तुषार आगे चढ़ गया साहिब भाई के साथ, मैं और मोहन भाई यहाँ पे हैं। अब हम लोग भी थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं, फिर हम लोग आगे जाएंगे, फिर मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। तो कैसा लग रहा है गाइस? लेकिन मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है। सबसे पीछे रहता है निक्कू भाई और बोलता है साले लोगों तक, रे बाप रे भाई, भगवान से डर भाई, भगवान से डर भाई। फर्स्ट टाइम आया, बहुत मजा आया, एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। फाइनली हम लोग अपने जन्नत पहुंच गए भाई। मुझे उधर देख कैसा लग रहा है, एक नंबर। कैसा लग रहा है? मुझे देख देख कूद रहा है ये लोग, देखो वो कूद रहे, अभी मैं भी जाऊंगा, मैं भी कूदूंगा भाई, प्यार कूदो 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 रे, ये जन्नत भाई। चलो भाई अपन एंजॉय कर रहे हैं, ये अपना प्याज कट गया, दिखा प्याज, ये प्याज कट गया, मैगी बनाएंगे, वहाँ मैगी बन रहा है अपना, हेमंत भी बना रहे, अब एंजॉय करेंगे। चलो आपको पूरा दिखाता हूँ जन्नत, जन्नत है यहाँ। अब मैं जा रहा हूँ गाइस, वहां से मैं भी कूदूंगा, तैरने तो मेरे को आता नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा, डूबूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ, देखते रहो मेरे को। फाइनली अब अपना मैगी तैयार हो गया है, अब हम खाएंगे जंगल में मैगी, इसका नाम दिया अपन जंगल वाली मैगी। सो गाइस फाइनली हमारी मैगी बन चुकी है, यहाँ सब हमारे भाई लोग मैगी का आनंद उठाते हुए, मैगी का स्वाद कैसा है भाई लोग? एक नंबर, सबको अच्छा लगा मैगी? जंगल वाली मैगी भाई, शाहिद भाई यहाँ पे, अरे हेमंत मत बनाओ। चलो भाई हम आपको खाने के बाद मिलते हैं।
तो अभी हमारे भाई लोग वहाँ ऊपर चढ़ चुके हैं, अब मैं और रजत यहाँ पे थे, अपन थोड़ा यहाँ इंजॉय कर रहे थे, अब हम लोग भी वहाँ जाते हैं। अब चलिए सीधा आपको वहाँ का लोकेशन दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग ऊपर आ गए, पूरा पानी का छीटा फुल फुल पड़ रहा है हमको, बहुत मजा आ रहा है। तुषार भी अपना आ गया, ये अपना भाई कैसा लग रहा है तुषार? एक नंबर। आ जा भाई, शांति हुंदी सी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय भाई। नेचर से प्यार हो गया भाई मेरे को, दंते बढ़ा के नेचर में प्यार भाई। पहाड़ों के बीच में स्प्राइट कैसा लग रहा है भाई? बहुत आनंद आ रहा है यहाँ का व्यू देख के, और पानी तो इतना ठंडा ना यार, कि पानी इतना ठंडा कि गर्मी के मारे निकलने का मन नहीं कर रहा, लग रहा है कि मैं पानी में रह लूँ। मतलब फ्रीजर का फीलिंग, दिल खुश हो गया, पूरा फ्रीजर का फीलिंग ना भाई, पूरा फ्रीजर का फीलिंग भाई। हम स्प्राइट रखे थे भाई, गर्म हो गया था, रखे एक घंटा ठंडा हो गया, देखना पूरा और मज़ा आ रहा है। ये अपन सभी लोग नहा चुके हैं, कैसा लगा मेरे भाई? एक नंबर, मजा आया। एक नंबर। मोहन भाई भी मेरे टाइप से पहले आए थे, कैसा लगा आपको? एक नंबर लगा भाई, दिल खुश, दिल खुश हो गया। भैया भैया भी मेरे साथ पहली बार आया था, मेरी तरह पहली बार आया था, कैसा लगा आपको? एक नंबर, क्या जन्नत है ना, अरे जोरदार। हेमंत या ठंडा, अब अपन थोड़ा फोटो वोटो खिंचा भी लिए, और मस्त मज़ा भी आ गया नहा के। जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा यार, कब से नहा ही रहे थे हम लोग, 2 घंटा हो गया नहा ही रहे थे। अब अपन तुषार झंडा फिट कर रहा है, अपन यहाँ झंडा लगाएंगे। ये अपना भाई जा रहा है आयुष झंडा लगाने, ताकि यादगार रहे और नेक्स्ट टाइम आए तो वो झंडा को देख के अच्छा लगे हम सबको। अब हम लोग झारा लावा में भयानक मस्ती किया, अब हम लोग के जाने का समय हो गया। जाने का मन कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। चलो अब 3 पहाड़ चढ़े, 3 पहाड़ उतरना भी है, काफी टाइम लगे, तो चलो चलते हैं, चलो लेट्स गो। ये अपन गलत रास्ते में आ गए, ये देखिए केवल साहित की वजह से अब हम लोग को सीधा ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, फंस गया सब, पूरा नीचे ऐसे खाई है वो, देखिए बहुत डेंजर जगह है यार, बहुत पूरा पानी हो, क्योंकि कोई ना ज्यादा कानून इस चक्कर में, देखिए हम लोग फंस गए हैं पूरा नीचे, वहाँ पूरा देखिए नदी बह रहा है और अपन यहाँ फंसे हैं। ओ शायद तुषार लोग को वहाँ ऊपर रास्ता मिल गया है। नीकू भैया कैसा लग रहा है? हाँ नीकू भैया का भी हालत टाइट हो गया। अब चलिए अपन लोग को सीधा ऊपर चलना है, ऊपर चढ़ के मिलते हैं आपसे। रास्ता खो गया, देखिए कितना गंदा फंसे हम लोग, नीचे बस खाई है ऊपर देखिए, और नीचे पूरा खाई है। ओ निकू भैया और रजत, इधर मोहन भैया, भाई बुरी तरह से फंस चुके हैं, लेकिन आप व्यू देखिए कितना अच्छा व्यू है, व्यू बस आप व्यू का मजा लीजिए, हम तो थोड़ा फंस गए हैं, सीधा चढ़ना है, ये पूरा नीचे खाई है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रास्ता खोजने के लिए, भैया आपको भी मज़ा आ गया। यहाँ से रास्ता फाइनली हमें पहुँच गया, देखिए हम लोग कितना खाई नीचे से आए, पूरा खाई, और देखिए झरना, वही झरना में नहा रहे थे क्या अपन? वो देखो वो झरना में अपन नहा रहे थे, ज़्यादा दूर नहीं, पास ही में है ये साहित, वो लड़का दिख रहा होगा वो देखिए वहाँ पे, वही चूतिया के कारण हम लोग फंसे बेचारा नीकू स्ट्रगल करके आ रहा है। अब अच्छा लगा यार पहुँच के भाई। ये अपन पहाड़ से उतर के अब जा रहे हैं अपने घर की ओर,
इंजॉय भी किए, लेकिन आते वक्त थोड़ा सा साहिद भाई के चक्कर में रास्ता भटक गए थे, पहाड़ ऊपर चढ़ना पड़ा, लेकिन चलो कोई नहीं, एडवेंचर हो गया, अच्छा लगा, उसमें भी मज़ा आया। चलिए अब सीधा आपको घर में मिलते हैं। तो ये अपन घर पहुँच चुके हैं, मतलब अब तो रात हो गया है, क्योंकि आए थे नहाए थे, खाना पीना खाए और सो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था ना, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किए, मज़ा भी आया। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटे को बजा देना। बाय बाय, गुड नाइट।